Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये कुछ भी नहीं है, जैसे मनोहर कहानियां लिखते जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी, उसी श्रृंखला में एक और कहानी है कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने घूस दी है। जिस कंपनी पे इन्होंने आरोप लगाया है वो खुद केंद्र सरकार की कंपनी है, उसके सारे डायरेक्टर्स सब कुछ केंद्र सरकार के लोग हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्र सरकार की एक कंपनी घूस दे रही है? इसका मतलब केंद्र सरकार घूस दे रही है? ये तो एकदम हंसने वाली बात है। पहले वो अपनी एजेंसी की जांच करवाएं कि कैसे केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने घूस दी है। देखिए, पिछले दो साल से भारतीय जनता पार्टी की ईडी चिल्ला रही है तथाकथित शराब घोटाला। दो साल से लाखों पन्नों का डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रजिस्टर किए हैं, 564 लोगों को इन्होंने गवाह के रूप में पेश किया है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आप लोअर कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, लोअर कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है देयर इज नो मनी ट्रेल, कोई भी मनी ट्रेल नहीं हुई, कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया जो अरविंद केजरीवाल जी को दोषी करार दिया जाए। लोअर कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी इज बिहेविंग इन अ बायस्ड मैनर, दुर्भावनापूर्ण तरीके से ईडी जांच कर रही है, ईडी बिहेव कर रही है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लोअर कोर्ट ने कहा है कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से बिहेव कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये इनका टूल किट है कि सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को और स्पेशली आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप किसी ना किसी आरोप में जेल में डाल दीजिए, उसके बाद आप दिल्ली के सारे जो प्रोग्रेस है काम को रोकने की कोशिश करिए। दिल्ली में चुनाव में आप हमें हरा नहीं सकते, तो इनको लग रहा है कि इस तरह के षड्यंत्र करके ये हमें हरा देंगे। अगर इनमें हिम्मत है तो ये केजरीवाल जी को दिल्ली में चुनाव में हरा के देखें।